वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट 2013 का पास्ट ईयर पेपर। हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो इंडियन पार्लियामेंट आपको पता होगा जिसके तीन पार्ट्स हैं, पहला लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा इंडियन पार्लियामेंट जो है इट इज बेस्ड ऑन बायकैमरलिज्म। सो अगर यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि नॉमिनेशन सिस्टम इंडियन पार्लियामेंट में यूज होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में, लेकिन पूरी तरह से नॉमिनेशन सिस्टम पर हमारा इंडियन पार्लियामेंट नहीं बेस्ड है, बिकॉज नॉमिनेशन के अलावा इलेक्शंस भी होते हैं, बोथ डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। देन हमारा इंडियन पार्लियामेंट यूनिकैमरल नहीं है। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक ऐसा पार्लियामेंट, एक ऐसा हाउस जहां पे सिर्फ एक ही हाउस है। फॉर एग्जांपल चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे यूनिकैमरलिज्म है, वहां पर एक ही हाउस है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देन हेरिडिटरी प्रिंसिपल इंडियन पार्लियामेंट में फॉलो नहीं होता। हेरिडिटरी प्रिंसिपल जो है ये ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। बायकैमरलिज्म यहां पे फिर करेक्ट ऑप्शन होगा अगर आप तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। सो वी हैव बायकैमरलिज्म जिसका मतलब होता है टू हाउसेस, ठीक है, अ लेजिस्लेचर विद टू हाउसेस और टू चेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय। सो आपको पता होगा कि लोकसभा जो है वहां पे होते हैं आपके स्पीकर, इसी तरह से राज्यसभा जो है यहां पर होते हैं चेयरमैन। सिमिलरली लोकसभा में स्पीकर के अलावा होते हैं डेप्यूटी स्पीकर एंड राज्यसभा में चेयरमैन के अलावा होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। सो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के उनको इलेक्ट किया जाता है अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। सो इंडिया में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशन भी जिसे कहा जाता है, इसको लाने का क्रेडिट दिया जाता है इनको। सो इनका नाम है जस्टिस पी एन भगवती। सो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस पी एन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट। सो कौन से रिट से जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको क्वैश किया जा सकता है, ठीक है। सो ये जो रिट है इसका नाम है सर्श्योरिटी। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सर्श्योरिटी। अब आपको पता होगा कि ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये इंडिया में दो कोर्ट्स एक्सरसाइज करते हैं, पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दूसरा है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है इसी में ही कुछ 5 रिट्स आते हैं, जिसमें से पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सर्श्योररी, फोर्थ है कोवरन और लास्टली हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन। सारे रिट्स के बारे में देख लेते हैं। जो हैबियस कॉर्पस है और ये जितने भी रिट्स हैं ये सब लेटिन वर्ड्स हैं। इनके जो इंग्लिश मीनिंग है वो है, हैबियस कॉर्पस को हम कहते हैं यू मे हैव अ बॉडी। सो हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है यू मे हैव अ बॉडी। सो जब किसी इंसान को रॉन्गफुली डिटेन किया जाता है तब हैबियस कॉर्पस रिट इश्यू किया जाता है। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। सो जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ढंग से नहीं करती तब मैंडमस का रिट इश्यू किया जाता है। सर्श्योररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड।
सो जब भी लोअर कोर्ट्स जो हैं उनके ऑर्डर्स वैलिड नहीं होते या सर्टिफाई करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है लोअर कोर्ट्स को, तो सर्श्योरिटी का रिट इशू किया जाता है। को वॉरन जो है इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। सो अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है सो आप इस रिट के थ्रू उससे पूछ सकते हैं दैट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही और शी इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफिस। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन से हम समझते हैं फॉरबिड करना, ठीक है, टू फॉरबिड। सो यहां पर आप इश्यू करते हैं प्रोहिबिशन का रिट एंड ये इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु मस्ट सिट टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कितने जजेस का होना जरूरी है। सो यहां पे जजेस का नंबर है 3। सो एटलीस्ट 3 जजेस का होना जरूरी होता है एक बेंच में। और जब हम एक फुल बेंच की बात करते हैं उसमें 5 जजेस का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज। सो आपको पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं उनकी एज होती है 65 ईयर्स। जब हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं उनकी एज होती है 62 ईयर्स। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा 62 ईयर्स। ये जो एज है ये इनिशियली 62 ईयर्स नहीं थी, इनिशियली ये एज थी 60 ईयर्स की। सो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये जो 60 ईयर की एज है इसको इंक्रीज करके 62 ईयर्स की कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। सो आपको पता ही होगा कि गोलकनाथ केस ऑफ 1967, सज्जन सिंह केस जो है ये आया है 1964 में, शंकरी प्रसाद केस जो है ये 1951 में आया। सो तीनों ही केसेस काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ऑप्शन ही नहीं हो सकता बिकॉज सर्श्योरिटी कोई केस नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रिट जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था एक पर्टिकुलर केस में और वो केस था गोलकनाथ का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है उसे पावर नहीं है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग पावर के थ्रू लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकता है। सो ये वर्डिक्ट गोलकनाथ केस से हुआ। जो शंकरी प्रसाद का केस 1951 में आया उसने पार्लियामेंट को दे दी अनलिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। और इसी वर्डिक्ट को फर्दर सज्जन सिंह केस 1964 में अपहेल्ड किया गया, ठीक है। सो शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दी गई टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, गोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट्स को अमेंडिंग पावर्स छीन ली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है ये कौन से ईयर में पास हुआ है। सो फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है ये पास हुआ है इन द ईयर 1984। फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है ये बनाया गया था टू एस्टैब्लिश ऑफ कोर्स फैमिली कोर्ट्स। और फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश क्यों करने थे, फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने थे फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए फैमिली कोर्ट सेटअप किए गए ताकि जो मैरिजेस या फिर फैमिली से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। सो फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया था 1984 में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशंस आर नोन एज। सो मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशंस जो हैं इनको हम कहते हैं वक्फ,
सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वक्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंटेंस ऑफ डेथ बाय अ लोअर कोर्ट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट, मस्ट बी कंफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, इट इज ऑपरेशनल इफ नो अपील इज मेड टू हायर कोर्ट्स, और इट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है अगर ये अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन अगर लोअर कोर्ट डेथ सेंटेंस देता है सो वो डेथ सेंटेंस जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर लेता वो ऑपरेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। सो इनमें से कौन सा एक सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। सो आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें कस्टम्स की वजह से फॉलो होती है या फिर प्रेसिडेंट की वजह से फॉलो होती है। लेजिस्लेशन से ऑफकोर्स इट इज अ सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, लेकिन पब्लिक ओपिनियन जो है इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। अब पब्लिक जो है वो कोई भी ओपिनियन अगर फॉर्म कर लेती है तो वो एक लॉ नहीं बन जाता इंडिया में, या वो एक सोर्स ऑफ लॉ नहीं होता है, जबकि कस्टम्स लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ये वेरी वैलिडली दे आर अ सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट्स इज कंटेन्ड इन। सो जो अलग अलग तरह के सूट्स फाइल होते हैं उनकी टाइम लिमिट इनमें से कौन से एक्ट्स में लिखी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। अब इस लिमिटेशन एक्ट में अलग अलग तरह के सूट्स हैं और उनकी टाइम लिमिट है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर सर्विस है, ठीक है, सर्विस ऑफ रिट ऑफ समन, सो यहां पे जो टाइम लिमिट है दैट इज 30 डेज। सो जब वो सूट फाइल किया गया तब से लेकर के 30 डेज की टाइम लिमिट इस लिमिटेशन एक्ट 1963 में लिखी है। सिमिलरली फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट्स, इंस्पेक्शन अगर करना है, एडमिशन या फिर डिनाइल, केस मैनेजमेंट की हियरिंग है, कंप्लीशन ऑफ ट्रायल है, सो यहाँ पे सब में आप देखेंगे 30 डेज, किसी में 15 डेज, किसी में 4 वीक्स, किसी में 6 मंथ्स। सो ये जितने भी अलग अलग तरह के सूट्स हैं इनकी टाइमलाइन लिखी है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ने से पहले हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इंडिया में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं वो है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों ही कोर्ट्स के पास में दो मेजर पावर्स हैं, या फिर ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हैं। एक को कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है वो कहता है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, केसेस होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जो कि फर्दर रेफरेंस के लिए काम आ सकता है। जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो ये फर्दर दो टाइप का है, द सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और दोनों ही के लिए जो मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है दैट इज 6 मंथ्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ रिलेटिंग टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैज बीन कोडिफाइड बाय। सो यहाँ पे 4 कन्वेंशंस हैं, हेग कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, जिनीवा कन्वेंशन एंड द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। अब यहाँ पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड कन्वेंशन है वो है जिनीवा कन्वेंशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जिनीवा कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन जो है वो चाइल्ड अबडक्शन से रिलेटेड है,
वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से रिलेटेड है, जबकि न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है ये रिलेटेड है फॉरेन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनीवा कन्वेंशन एंड वियना कन्वेंशन, बिकॉज ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर, सो पब्लिक हॉलीडेज जो है ये इनमें से कौन से एक्ट में डिक्लेयर किए जाते हैं। सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये ऑफ कोर्स लॉ की फील्ड से रिलेटेड है, सो इसमें पब्लिक हॉलीडेज के बारे में कुछ नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट जो है ये बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड है, सो ऑफ कोर्स इसमें भी पब्लिक हॉलीडेज के बारे में नहीं है। पब्लिक एम्प्लॉयज एक्ट जो है ये एम्प्लॉयमेंट मैटर्स से रिलेटेड है एंड वेज मैटर्स रिलेटेड है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट या फिर NIA एक्ट के थ्रू पब्लिक हॉलीडेज जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICJ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। सो आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ 6 ऑर्गन्स हैं और उन्हीं में से एक ऑर्गन है आपका ICJ, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग में और हेग जगह है नीदरलैंड्स में, ठीक है। ये जो न्यूयॉर्क है यहां पर हेडक्वार्टर्स हैं आपके UNO के। अब मैंने आपको बताया कि UNO के 6 ऑर्गन्स हैं, सो ये 6 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला है आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन ECOSOC है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके बाद आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड लास्टली वी हैव द सेक्रेटेरिएट। ये जो सेक्रेटेरिएट है इसके हेड होते हैं एक सेक्रेटरी जनरल एंड करंटली जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस जो है ये पोर्चुगल को बिलोंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोक अदालत इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्ट्स, एक लोक अदालत बाकी के नॉर्मल कोर्ट से अलग क्यों है। अगर आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे सो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो डिसीजंस चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो आपको पता होगा कि एक पार होती है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है, और एक होती है पावर टू अपील इन हायर कोर्ट। सो इन दोनों से ही जो भी डिसीजंस लोअर कोर्ट्स लेते हैं उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। सो यहां पे हो जाएगा बिल्कुल गलत ऑप्शन। सेकंड है, बिकॉज द सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द जजेस। सो आपको पता है कि हमारा इंडिया जजेस के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, हमारा सिस्टम जजेस ने नहीं बनाया। किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। सो ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में लिखा है दिस सिस्टम कोर्ट डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सो कोर्ट जो है वो मेरिट के बेस पे, ऑफ कोर्स मेरिट इज अ क्राइटेरिया बट नॉट सोलली अ क्राइटेरिया। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा बिकॉज द पार्लियामेंट्री एक्ट गाइड्स इट। सो आपको पता होगा कि जो अदर कोर्ट्स हैं वो बने हैं बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में अच्छे से प्रोविजंस लिखे गए हैं, जबकि लोक अदालत जो है वो 1987 के पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, और उस एक्ट का नाम है द लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987। सो ये लोक अदालत जो है ये पार्लियामेंट एक्ट से बनी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इसीलिए ये अदर कोर्ट से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है अ
असेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये लोक अदालत का ऑफिशियल लोगो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट परमानेंट, पहला परमानेंट ग्लोबल क्रिमिनल कोर्ट या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। सो जो पहला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये एस्टैब्लिश हुआ है जिस जगह पर, उसका नाम है हेग। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हेग। सो इसे हम आईसीसी भी कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया इसका मेंबर नहीं बना है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, ये डील करता है विद वेरियस केसेस, जैसे कि जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग्स। फिर ये डील करता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। सो एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के साथ डील करता है। एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये फॉर्म हुआ था इन द ईयर 2002 बाय द रोम स्टैट्यूट, ठीक है। और आईसीसी जो है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द स्टेट्स इन इंडिया वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सो कौन से ईयर में इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किए गए। सो लैंग्वेज एज अ बेसिस, सो ये रीऑर्गेनाइज किए गए थे 1956 में, और तब बनाई गई थी इंडिया में एसआरसी। एसआरसी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो ये बनी थी 1956 में, और जब ये बनी तब इसने इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। उसके बाद से इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ईयर बाय ईयर फॉर्म होते गए। सो हम एक एक करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियली कितने स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। करंटली इंडिया में है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है, ये सबसे पहला स्टेट बना था 1953 में, और इसी आंध्र प्रदेश का बाइफकेशन हो गया, और इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये बन गया तेलंगाना इन द ईयर 2014। देन ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र है, ये इनिशियली गुजरात एंड महाराष्ट्र नहीं थे, पर इनिशियली हम इसे कहते थे बॉम्बे। और ये जो बॉम्बे है, ये ईयर 1960 में बाइफकेट हो गया इंटू गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ ऐसे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि पंजाब, नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा, इन तीनों ही स्टेट्स का क्रिएशन किया गया है 1966 में। देन फर्दर छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से निकला है उत्तराखंड। इन तीनों स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है, ये बाद में किया गया इन द ईयर 2000। सो एमपी से हमने निकाल लिया छत्तीसगढ़, बिहार से निकाला झारखंड, एंड यूपी से निकाला है उत्तराखंड। सिमिलरली जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है 1916 में बना है आपका नागालैंड, ठीक है। देन 1972 में आपके आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये स्टेट्स बने। 1987 में बना है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो ये है अरुणाचल प्रदेश। सो इसका क्रिएशन हुआ है 1987 में, और मिजोरम भी 1987 में क्रिएट किया गया। वेरी रिसेंटली जो बना है वो है आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना, ठीक है। एंड
आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया, सो जम्मू कश्मीर जो पूरा स्टेट है उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। सो एक बैरल ऑफ ऑयल में कितने लीटर्स होते हैं? सो एक बैरल ऑफ ऑयल में अप्रोक्सीमेटली 158.8 लीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे वो 159 लीटर्स के इक्वल होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 159 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मेंबर नहीं होता है एक कमिटी का जो कि इलेक्ट करती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। सो आपको पता होगा कि इंडिया में एक बॉडी है जिसे कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और दो और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था संथनम कमिटी ने, जो कि 1964 में आई। इस कमिटी को 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस से मतलब है कि पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये एस्टैब्लिश की गई 2003 में, तो ये बन गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इनको एक कमिटी इलेक्ट करती है और इस कमिटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस 3 मेंबर कमिटी के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट। सो मुंबई हाई कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस हैं वो थे जस्टिस एमसी चांगला। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एशियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो पहले एशियन प्लस पहले इंडियन जो कि प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो हिज नेम इज जस्टिस नागेंद्र सिंह। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस नागेंद्र सिंह। अब ये जो आईसीजे है, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स हैं और उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इसके जो इलेक्शंस का प्रोसीजर है वो कैसा होता है? आईसीजे में जो हर एक यूनाइटेड नेशन मेंबर की कंट्री है वो अपने 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। ठीक है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसके बाद में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि आईसीजे के जो मेंबर्स हैं या जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे चूज होंगे। सो यहां पर आप देख सकते हैं इस टेबल को। सो कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, सो आईसीजे में टोटल 15 जजेस होते हैं जो कि 9 ईयर के टेन्योर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल साथ में मिलकर इलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे इट मे नॉट इंक्लूड मोर देन 1 जज फ्रॉम एनी नेशनैलिटी। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नेशन से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से, एक से ज्यादा जज इलेक्ट हो रहे हो। देन जब भी इलेक्शंस होते हैं सो जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 3 ईयर्स में रिटायर होते हैं। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट बट दे आर इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट। सो जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग जजेस वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जस्टिस सीकरी।
सो जस्टिस सीकरी जो है ये पहले पंजाब हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उसके बाद में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। फातिमा बीवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुकी हैं, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस फर्स्ट मुस्लिम आल्सो टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएम भगवती इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पीआईएल लेकर आए इंडिया में, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ए एन रे इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1973 में एक प्रेसिडेंट है जिसे फॉलो करना चाहिए और वो नहीं फॉलो किया गया था। जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है तो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हें ही पहली प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, लेकिन 1973 में ये जो प्रेफरेंस है इसे ना मानते हुए जस्टिस ए एन रे जो कि एक जूनियर जज थे, ठीक है, प्रेसिडेंस में वो फर्स्ट नहीं थे, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज टॉप एंटी करप्शन वॉच डॉग? तो इनमें से कौन इंडिया का सबसे टॉप नॉच एंटी करप्शन वॉच डॉग है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए सीवीसी। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये जो सीवीसी है ये बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी नोन एज संथनम कमिटी। ये कमिटी आई थी 1964 में और इस कमिटी का मेन पर्पस ही था करप्शन को कॉम्बैट करना, और इसीलिए बनाया गया था आपका सीवीसी। करंटली सीवीसी में तीन मेंबर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स। इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर होते हैं, एनआईए डायरेक्टर दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर एंड दिल्ली पुलिस। सो यहाँ पे जो सबसे एप्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल मेल सफरेज? सो आपको पता होगा मेल सफरेज से यहाँ पे मतलब है कि जो मेल हैं उनको पहली बार राइट टू वोट या फिर सफरेज कौन सी कंट्री ने दिया? सो उस कंट्री का नाम है फ्रांस। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछते हैं कि पहली बार वर्ल्ड में फीमेल सफरेज कौन सी कंट्री ने दिया, सो उस कंट्री का नाम होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं इंडिया में कब से है, सो इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, जिसका मतलब है कि दोनों मेल फीमेल बिना कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किए जो भी 18 इयर्स या अबव के एडल्ट्स हैं उन सबको राइट टू वोट है सिंस 1951, जब से हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अस्क्राइब्ड टू? सो ये जो डॉक्ट्रिन है रूल ऑफ लॉ ये किसने दिया है? सो ये दिया है एवी डाइसी, और एवी डाइसी जो है ये एक ब्रिटिश जुरिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द लॉ, और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1885 में। ठीक है, इस बुक में इन्होंने दो चीजों की बात की है, इन्होंने समझाया है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आगे सारे जो लोग हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सेकंड ये कहते हैं कि अगर कोई ब्रीच करता है लॉ का, ठीक है, सिर्फ इस सर्कमस्टेंस में ही उसको पनिश करना चाहिए। सो पनिशमेंट कब मिली जाएगी? जब ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है। सो ये समझाता है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। जो ऑस्टिन है इन्होंने सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, जो बेंथम है इनका एक काफी पॉपुलर कोट है जिसे हम जानते हैं एज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ
पीपल। सो जो बेंथम है उनका एक कोट आप याद रख सकते हैं अगर आपसे कभी पूछ ले। सो इन्होंने एक कोट दिया है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया है एवी डाइसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया। सो इंडियन लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट बना है 1956 में, ठीक है। सो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है ये बनाया गया था फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च पर्पस इन द ईयर 1956। एंड दिस इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमन। सो इनमें से कौन सी पहली वुमन है जिन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सो आपको पता होगा इंडिया में एक पोस्ट होती है जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है। इनके नीचे आते हैं द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। इसके अलावा एक और पोस्ट होती है जिसे हम कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी पहली वुमेन थी जिन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। सो उनका नाम है इंदिरा जयसिंह। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज लॉयर बाय प्रोफेशन। सो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और साउथ अफ्रीका में इन्होंने ऑफकोर्स लॉ प्रैक्टिस किया है, इवन इंडिया में भी। सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू एंड राजेंद्र प्रसाद ये पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या स्पेसिफिकली कहूं तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी है आईएनसी की। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, तो उनका नाम होगा एनी बेसेंट। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इज सरोजनी नायडू। सरदार पटेल जो है इनको हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज इन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन करवाया है। 565 प्रिंसली स्टेट्स को अग्री करवाना टू असीड टू द इंडियन टेरिटरी, वो काम करवाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल हैं, तो फिर आयरन लेडी किसे कहते हैं? आयरन लेडी हम कहते हैं इंदिरा गांधी को। राजेंद्र प्रसाद जो है ऑफकोर्स ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड द ओनली प्रेसिडेंट जो कि दो टर्म के लिए थे, ठीक है। इनके अलावा कोई भी प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है जो कि दो टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हो। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 26/11 ट्रायल या फिर 26/11 के जो ट्रायल है ये कौन से जेल में हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज येरवदा जेल। सो 26/11 के जो ट्रायल है, इट वॉज हेल्ड एट अ स्पेशल कोर्ट इन द येरवदा जेल। सो आपको पता होगा कि 26 नवंबर 26/11 2008 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। सो ये पहले अटैक्स नहीं है। इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को भी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है। और जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि 26/11 काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, इसी तरह से यूएसए में भी एक डेट काफी इंपॉर्टेंट है, उस डेट को हम कहते हैं 9/11, ठीक है। सो 2001 की ये बात है और डेट थी
9/11। सो इस दिन यूएसए में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, ठीक है। सो इंडिया में 26/11 और यूएसए में 9/11 अटैक्स काफी पॉपुलर है। इंडिया के जो ये 26/11 का अटैक है, इसमें जो टेररिस्ट मेन टेररिस्ट थे उनका नाम है अजमल कासब, ठीक है, और जेल है यरवदा जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड लोकेटेड। सो ये जो IPAB नाम की एक बॉडी है, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ठीक है। सो इसके हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में, ठीक है, जो कि कैपिटल है तमिलनाडु स्टेट का। अब यहां पर तो है इसके हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद, ठीक है, ये चारों प्लेसेस कहां है, चेन्नई इन तमिलनाडु, मुंबई कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल में और अहमदाबाद गुजरात में। इन चारों प्लेसेस पर इसके सेंटर्स हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। सो ये ऑटोबायोग्राफी है एमसी स्टेलवर्ट की। सो यहां पे होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नानी पालकी वाला ने भी एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है जिसका नाम है वी द नेशन, ठीक है। HM सिरवई, FS नारीमन एंड नानी पालकी वाला, ये तीनों ही इंडियन जुरिस्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम नालसा भी कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट कौन सी ईयर में की गई थी। सो इसका जो करेक्ट ईयर है वो होगा 1995। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज नालसा जो बॉडी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये क्रिएट की गई थी अंडर द एक्ट ऑफ 1987, ठीक है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 1995 में। एंड फर्दर अगर मैं पूरी डेट बताऊं तो 9th ऑफ नवंबर 1995 को ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है बॉडी। इसको एक और नाम दिया गया है एंड दैट इज लोकल अदालत ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाई गई थी फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्लेयर्ड द असेट्स ऑफ इट्स जजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो 2009 का ये काफी पॉपुलर केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है, जिसमें ये वर्डिक्ट दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें अपने असेट्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डिक्लेयर करने होते हैं। सो ये वर्डिक्ट दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के केस में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, एंड सीनियर सिटीजन्स का जो ये एक्ट है ये कौन से ईयर में आया है। सो ये ईयर है 2007। सो मेंटेनेंस से यहां पर मतलब है अगर कोई भी पेरेंट्स को या फिर सीनियर सिटीजन को अबैंडन कर देता है, मतलब छोड़ देता है, तो जो मेंटेनेंस है वो कैसे देंगे। सो मेंटेनेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, फूड आ जाता है, क्लोदिंग आ जाती है, शेल्टर आ जाता है, इवन मनी भी इंक्लूड किया गया है। सो ये जो 2007 का एक्ट है इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स लाए गए थे 2018 में, जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है उसको रिड्यूस किया गया। सो पहले जो इम्प्रिजनमेंट है वो थी अराउंड 3 ईयर्स की, ये इम्प्रिजनमेंट रिड्यूस की गई है टू 6 मंथ्स, ठीक है। एंड फर्दर जो फाइन का लिमिट है वो इंक्रीज किया गया है। सो ये दो अमेंडमेंट्स आए हैं 2018
18 के मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ अ सिवियर सेंटेंस टू अ लेसर सेंटेंस इज कॉल्ड एज. सो आपने पार्डनिंग पावर सुनी होंगी, ठीक है. सो ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है दो डिग्निटरीज को, और ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ स्टेट. सो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर्स को ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो पार्डनिंग पावर्स है इन्हीं में से एक पार्डनिंग पावर को हम कहते हैं कम्यूट करना या फिर कम्यूटेशन, जिसका मतलब होता है अगर किसी को सिवियर सेंटेंस मिली है, फॉर एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस, तो उसको लेसर सेंटेंस दी जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और इसी को कहते हैं कम्यूटेशन. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा कम्यूटेशन. अब बाकियों की मीनिंग भी देख लेते हैं. जब हम प्रोबेशन की बात करते हैं उसका लिटरल मीनिंग होता है सुपरवाइज करना या फिर सुपरविजन करना. जो पेरोल है उसका मतलब होता है अर्ली रिलीज ऑफ प्रिजनर्स. सो जब भी आप प्रिजनर्स को अर्ली रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं पेरोल. एंड व्हाट इज एडमिनिशन? एडमिनिशन का मतलब होता है फॉर्म वार्निंग. फॉर्म वार्निंग या फिर रेप्रिमांड को कहते हैं एडमिनिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन. सो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज ICCPR, ठीक है. सो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स जो है ये जिस डेट को अडॉप्ट किया गया है दैट इज 16th of December 1966. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन. अब ये जो कोवेनेंट है ये अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, और जो डेट को किया है दैट इज 16th of December 1966. फर्दर हम देखेंगे कि 1966 में तो ये कोवेनेंट जो है इसे अडॉप्ट किया, लेकिन इसे इनैक्ट किया था आफ्टर 10 इयर्स इन 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दैट इज RTE एक्ट ऑफ 2009 केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम. सो ये जो RTE का एक्ट है जिससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, देन आर्टिकल 45 जो कि DPSP का पार्ट है वो भी RTE की बात करता है, देन हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड की गई, उसमें भी राइट टू एजुकेशन की बात की गई है. सो ये जो RTE का एक्ट है ये एनफोर्स हुआ है 4th of August 2009 को. सो यहाँ पे जो डेट है वो होगी 4th August 2009 जब RTE को इनैक्ट किया गया, लेकिन ये इफेक्ट में आया है 1st of April 2010 में. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज 1st of April 2010. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इनमें से कौन सी कंट्रीज में डेथ सेंटेंस दिया जाता है इन केस ऑफ रेप. सो इस कंट्री का नाम है चाइना. सो चाइना में अराउंड 46 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, और कैपिटल पनिशमेंट जो है वो ऑफ कोर्स रेप केस में भी दी जाती है, जबकि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके में ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के प्रोविजंस हैं, ठीक है. सो डेथ सेंटेंस के प्रोविजंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज. सो आपको पता होगा कि जो एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है जब उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसे हम बिल कहते हैं.
जब ये बिल पास हो जाता है तब इस बिल को हम कहते हैं एक्ट। एंड फर्दर एक जो एक्ट होता है पार्लियामेंट का उसे हम कहते हैं अ स्टैट्यूट। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टैट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टी टू द सूट इज कॉल्ड एज। सो यहाँ पे पूछा है कि एक पार्टी टू द सूट को हम क्या बोलते हैं। सो इसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कंप्लेनेंट कौन होते हैं? कंप्लेनेंट होते हैं प्लेंटिफ इन सर्टेन लॉ सूट। ठीक है, सो आप कह सकते हैं ये एक अनदर टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर प्लेंटिफ। देन हु इज एन अक्यूज्ड? अक्यूज्ड होता है जिसको चार्ज किया जाता है फॉर सर्टेन ऑफेंस। ठीक है, और लिटिगेंट कौन होते हैं? लिटिगेंट होते हैं वो लोग जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर सूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट वॉज। सो बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज का नाम क्या है? के उषा, सुजाता मनोहर, फातिमा बीवी या फिर एना चांदी। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सुजाता मनोहर। सो सुजाता मनोहर बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज थी। ठीक है, अब यहाँ पे फातिमा बीवी का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट फीमेल प्लस फर्स्ट मुस्लिम है जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। एना चांदी जो है ये केरला हाई कोर्ट की फर्स्ट विमेन जज रह चुकी है। ठीक है, इसलिए एना चांदी भी इंपॉर्टेंट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट वॉज फोर्स टू रिजाइन आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सो इनमें से कौन से गवर्नर को फोर्स किया गया था कि वो रिजाइन कर दे आफ्टर एन इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बूटा सिंह। और इस केस का नाम भी था बूटा सिंह केस। ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। ठीक है, सो आर्टिकल 356 जो है इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये कब लगाई जाती है? जब स्टेट मशीनरी जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टेट मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पास है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो यहाँ पे जो बूटा सिंह थे, ठीक है, ये थे गवर्नर ऑफ बिहार स्टेट और इनको रिजाइन करना पड़ा था आफ्टर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, बिकॉज आर्टिकल 356 जो है ये बहुत बार मिसयूज किया जाता है, सो इनको मिसयूज करने की वजह से ही रिमूव कर दिया गया था। एस आर बर्मन, ए आर अंतुले जो हैं ये चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। गोलकनाथ जो केस है 1967 का सबसे पॉपुलर केस है, सो एक बार आप इस केस के बारे में भी जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन दैट इज NCDRC, ये जो कमीशन है ये कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1988 में कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द कोपरा एक्ट। कोपरा इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। फिर मैं आपको बता दूं कि 24th ऑफ दिसंबर जो है हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 24th ऑफ दिसंबर एज नेशनल कंज्यूमर्स डे। ठीक है, देन अगर आपसे पूछ ले कि इन NCDRC को करंटली चेयर कौन कर रहे हैं तो उनका नाम होगा RK अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली लॉ कमीशन जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश की गई? तो पहली लॉ कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी 1834 में। अगर यहाँ पर ईयर दे रखा है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्ट है वो डेफिनेटली इस ईयर से पहले ही आया होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, सो 1833 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और उसको चार्टर एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कहते। अब ये जो लॉ कमीशन थी इसको चेयर करने वाले थे लॉर्ड मैकले। सो लॉर्ड मैकले का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यही वो इंसान है जिन्होंने आईपीसी बनाया है। ठीक है, आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईपीसी से ही रिलेटेड है, दैट हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड। सो यहां पर भी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, दैट इज लॉर्ड मैकले। ठीक है, और लॉर्ड मैकले जो है इनका पूरा नाम बता देती हूं, इनका पूरा नाम है थॉमस बार्लिंगटन मैकले। इनकी काफी फेमस स्पीच है जो कि मैकलेज मिनट के नाम से फेमस है। ठीक है, मैकलेज मिनट, और फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो भी मैकले ने ही चेयर की थी 1834 में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिकेट्स। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसका मतलब क्या होता है? सो क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट्स करते हैं, या फिर पुलिस, गवर्नमेंट, या फिर होम मिनिस्टर? सो मैं आपको बता दूं, होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट या फिर पुलिस का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, दैट इज इन कोर्स थ्रू कोर्ट्स। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि यूएसए में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इंडिया में ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये फॉलो किया जाने लगा है सिंस 1978, और जिस केस के थ्रू ये आया है उस केस का नाम है मेनका गांधी केस। ठीक है, अब दो तरह के लॉज इंडिया में लिखे हैं। आर्टिकल 21 जो है उसमें लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो पूरा जो आर्टिकल 21 है डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों में फर्क इतना है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके, तो वो जो लॉ है वो बिल्कुल क्या होगा, वैलिड होगा, फेयर होगा। ठीक है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि लॉज जैसे भी बनाए गए हैं वो हमेशा फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी लेजिस्लेचर अगर प्रोसीजर फॉलो करके भी कोई लॉ बनाती है तो जरूरी नहीं है कि वो फेयर हो। ठीक है, तो वो अनफेयर भी हो सकता है। सो यही कारण है कि इंडिया में ये दोनों चीजें फॉलो की जाती हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी। रीजन क्या है? हो सकता है कि प्रोसीजर बिल्कुल सही हो लेकिन जो लॉ बनाया है वो अनफेयर हो। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है जिसके थ्रू हमेशा ये लॉ है वो फेयर होगा और जस्ट होगा। ठीक है, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। सो आपको पता होगा कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो थी इनकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इनकी ग्रेनरी, जैसे कि इनका सिटाडल, ठीक है, जैसे कि इनका ग्रेट बाथ। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा इनका टाउन प्लानिंग, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है
ये काफी अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी, ठीक है। और ऑफ कोर्स इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के आसपास बनी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो करेक्ट आंसर है वो होगा टाउन प्लानिंग। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हड़प्पा साइट ऐसी है जिसमें कि एक डॉकयार्ड है, ठीक है, या फिर एक डॉक है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा लोथल। तो आप देख सकते हैं कि ये लोथल डॉकयार्ड की ही एक पिक्चर है। एंड लोथल ये जो साइट आप देख रहे हैं ये करंटली है गुजरात में, ठीक है। सो लोथल इज अ साइट इन गुजरात स्टेट, ठीक है। हड़प्पा जो है ये रावी रिवर पर सिचुएटेड है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि हड़प्पा कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, सो आंसर होगा रावी। मोहनजोदड़ो जो है ये करंटली पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। एंड ये जो आलमगीरपुर है ये करंटली यूपी में लोकेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी हड़प्पा साइट ऐसी है जहां पर एक डॉक है, तो करेक्ट आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा फिलोसफी के एक्सपाउंडर कौन है। सो ऑफ कोर्स योगा फिलोसफी के एक्सपाउंडर है पतंजलि। गौतम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट महर्षि रह चुके हैं। जैमिनी जो है इन्होंने मीमांसा करके एक स्कूल ऑफ थॉट है उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। इसी तरह से शंकराचार्य जो है इन्होंने वेदांत करके एक स्कूल ऑफ थॉट है उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम कभी भी नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, वैदिक साइंस में जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो ऐसे 6 टाइप्स की नॉलेज होती है, ठीक है। सो उन्हीं में से 2 के नाम हम अभी देख चुके हैं, मीमांसा एंड दूसरा है वेदांता, ठीक है। इसके अलावा होता है निरुक्ता, ठीक है, उन्हीं में से एक होता है योगा। देन नेक्स्ट है समख्य एंड लास्ट है विशेषिका, ठीक है। सो ये हमारे 6 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं वैदिक साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनिज्म को हम कितने सेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो जैनिज्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन 2 सेक्ट्स के नाम है श्वेतंबरा एंड दिगंबरा, ठीक है। देन महायान और हीनयान जो है ये बुद्धिज्म के 2 सेक्ट्स हैं, ठीक है। देन कपलिका एंड कालामुख जो है ये शैविज्म के 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं, जबकि आजीविका एंड न्याय वैशिका जो है ये वैदिक साइंस में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारक जो है ये कोर्ट फिजिशियन थे कौन से एम्परर के टाइम पे। सो ये कनिष्क के टाइम पर चारक जो है वो कोर्ट फिजिशियन थे। चारक ने आयुर्वेदा में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। चारक जो है इसीलिए हम इन्हें फादर बोलते हैं ऑफ इंडियन मेडिसिन। एंड चारक ने ही एक किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट किताब, जिसका नाम है चारक संहिता, ठीक है। अगर ये चारों रूलर्स देखें तो चारों रूलर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आए हैं अशोका, ठीक है, फिर आई है मौर्य डायनेस्टी जिसमें हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, उसके बाद आए हैं कनिष्क एंड लास्ट आए हैं हर्षवर्धन, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हूज रूल वॉज इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन अबॉलिश्ड। सो किसके टाइम पर ये जो स्टेट रिलीजन है ये अबॉलिश कर दिया गया था। सो ये ऑफकोर्स अकबर के टाइम पर स्टेट रिलीजन जो है अबॉलिश कर दिया गया था। एंड फर्दर अगर हम देखें तो अकबर ही है जिन्होंने एक जिजिया करके एक टैक्स है, ठीक है। जिजिया वो टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, ठीक है, और ये टैक्स को अबॉलिश किया था अकबर ने।
सो अकबर बहुत इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं मुगल एम्पायर के। देन बाबर जो है ये फाउंडर रह चुके हैं मुगल एम्पायर के, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो है ये लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। और इसके बाद जो है मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था। गियाजुद्दीन तुगलक जो है इनको हम कभी कभी गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनके नाम पर एक सिटी भी है जिसका नाम है तुगलकाबाद। अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो उसमें करेक्ट ऑर्डर लिखा है, सबसे पहले स्लेव डिनेस्टी आई है, फिर खलजी डिनेस्टी, देन तुगलक डिनेस्टी, सैयद डिनेस्टी एंड लोदी डिनेस्टी। सो ये जितनी भी डिनेस्टीज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी दिल्ली सल्तनत की पार्ट है, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत जो है ये खत्म हो जाता है उसके बाद एस्टैब्लिश होता है ये मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के फाउंडर थे बाबर, बाबर के बाद आए हैं हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां एंड फाइनली औरंगजेब। सो मुगल एम्पायर में भी ये जितने भी रूलर्स को आप देख रहे हैं ये अर्ली मुगल्स हैं, ठीक है। और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल एम्पायर्स आए हैं उनको कहा जाता है लेटर मुगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। सो टोबैको का जो यूज है वो जहांगीर, ठीक है, जहांगीर जो कि अकबर के बेटे थे इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। औरंगजेब और जहांगीर जो है ये दो काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इन पर फर्दर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और वो क्वेश्चन है, जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान इशू किया था, ठीक है, 1600s में। सो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले फरमान किसने इशू किया था, तो आंसर होगा जहांगीर। सिमिलरली औरंगजेब ने एक दूसरा फरमान इशू किया था। फरमान से मतलब होता है पर राइट टू ट्रेड। सो अगर फरमान मिल जाता है तो आप उस एरिया में ट्रेड कर सकते हैं। सो औरंगजेब ने ये फरमान इशू किया था 1691 में। किसे किया था? ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। सो ये दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि जहांगीर ने सबसे पहले फरमान इशू किया था 1600s में, फिर औरंगजेब ने फरमान इशू किया था 1691 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाउंडर है ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस और इनका नाम था कॉलबार्ट, पूरा नाम था जे बी कॉलबार्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉलबार्ट। अगर हम प्रॉपर ऑर्डर देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से फॉरेन रूलर्स आए हैं, तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए हैं, ठीक है, उसके बाद डच आए हैं, फिर इंग्लिश आए हैं और सबसे एंड में फ्रेंच आए हैं। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे लाने वाले थे कॉलबार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन द आईसीएस। सो इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसमें पहले इंडियन जो सिलेक्ट हुए उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिनको हम कभी कभी इंडियन बर्क के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, ये भी फॉर्म की है। सरोजनी नायडू जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी है एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी है आईएनसी की। अगर आपसे पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछेंगे हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। सी आर दास जो है ये स्वराज पार्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर रह चुके हैं, पूरा नाम है इनका चित्रंजन दास। और सी आर दास को हम कभी कभी देश बंधु के नाम से भी जानते हैं।
लाला लाजपत राय जो है इनके नाम से एक ट्रायो बहुत फेमस हुआ है और उस ट्रायो का नाम है लाल बाल पाल। लाल जो है लाला लाजपत राय के लिए यूज होता है, बाल बाल गंगाधर तिलक के लिए और पाल बिपिन चंद्र पाल के लिए। लाला लाजपत राय को हम लॉयन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। इन्होंने एक स्लोगन दिया था और वो स्लोगन था गो बैक साइमन। तो आपको पता होगा कि 1928 में एक साइमन कमीशन अपॉइंट की गई थी जिसका सोल मोटिव था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, लेकिन इस कमीशन में प्रॉब्लम ये थी कि एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो आउट ऑफ द 7 मेंबर्स एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए कमीशन बॉयकॉट की गई। तब लाला लाजपत राय ने ये स्लोगन दिया गो बैक साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम कहते हैं दादा भाई नारोजी को। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जो है इन्होंने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर्मुलेट की है जिसका नाम है द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी जो है ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। लाला लाजपत राय के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। खान अब्दुल गफार खान जो है इनको टाइटल दिया गया है फ्रंटियर गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। सो जो सती की प्रैक्टिस है इसे इलीगल किसने डिक्लेयर किया? सो इसे इलीगल डिक्लेयर किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और जिसकी हेल्प से सती अबॉलिश की गई उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। जिस ईयर में सती अबॉलिश हुई है वो डेट है 1829 4th ऑफ दिसंबर। ठीक है, सो इस दिन एक लेजिस्लेशन लाया गया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड फाइनली सती की जो प्रैक्टिस है ये अबॉलिश कर दी गई। सो इनकी हेल्प से जरूर अबॉलिश हुई थी लेकिन इलीगल डिक्लेयर तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है 1905 में। ठीक है, और ये करवाया था लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन इसे एनहल किया है या फिर रोका था लॉर्ड हार्डिंग ने। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड मिंटो जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनके नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है इंडिया में 1919 में, और इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं डायर्की। सो जैसे अभी आप देखते हैं कि तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, उसी टाइम पर डायर्की जो है इसमें दो लिस्ट हुआ करती थी, एक रिजर्व्ड और दूसरी ट्रांसफर्ड। लॉर्ड कर्जन जो है ऑफकोर्स मैंने बताया कि इन्होंने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको हॉल्ट किया था या फिर एनल किया था। 1911 में ही जो हमारा कैपिटल है वो कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने कॉइन किया है? सो यहां पे करेक्ट आंसर है हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है The hottest planet is, so जो सबसे hottest planet है that is Venus। अगर आप ये picture देखेंगे so जो first four planets हैं Mercury, Venus, Earth and Mars, इन्हें हम कहते हैं terrestrial planets, जबकि जो next four planets हैं Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, इन planets को हम कहते हैं gas planets। अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो आंसर होगा मर्करी। अगर पूछेंगे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो आंसर होगा जुपिटर। एंड सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, इसीलिए कभी हम इसे मॉर्निंग स्टार या फिर
इवनिंग स्टार भी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट डायामीटर ऑफ द अर्थ इज। अब सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, सपोज ये एक पीस है, ठीक है, सो जो ये पूरा अर्थ है ये उसका एक छोटा सा पीस है। सो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर होती है अर्थ की उसे हम कहते हैं मैंटल। देन सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं कोर। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं कोर, ठीक है। सो अगर हम रेडियस देखें, अगर आपसे पूछेंगे रेडियस क्या है अर्थ का, तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर्स। लेकिन जो डायामीटर है अर्थ का वो होता है 12800 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो आपको पता होगा कि जो अर्थ है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स में से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो इनमें से कौन रेवोल्यूशन का एक इफेक्ट नहीं होता। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं रोटेशन क्या होता है। सो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, रोटेट करता रहता है अपने ही एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। सो आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। रेवोल्यूशन जो है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे ही ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, ठीक है, वैसे वैसे सीजन्स भी चेंज होते हैं और जो डे और नाइट का लेंथ है वो भी चेंज होता है। सो यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये करेक्ट ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इवन जो विंड का या ओशन करंट्स होते हैं उनका डायरेक्शन भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, लेकिन लैटिट्यूड्स जो हैं दे आर नॉट डिटर्मिंड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बिकॉज लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स। एंड फर्दर दो टर्म्स हैं यहां पर, एक है सोल्स्टाइस एंड दूसरी टर्म है इक्विनॉक्स। सोल्स्टाइस का मतलब होता है व्हेन द सन इज ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डे और नाइट जो है वो इक्वल लेंथ की होती है। अब यहां पर जब 21 जून आता है तो समर सोल्स्टाइस होता है, 21st ऑफ दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस होता है, मार्च 21st को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है एंड सितंबर 21st को ऑटम इक्विनॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड। तो आपको कौन से टाइप्स के रॉक्स में कोल एंड पेट्रोलियम मिलेंगे। तो आपको पता होगा कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है इनका ओरिजिन ही जो है वो एक टाइप के रॉक से होता है जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है, बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम का जो ओरिजिन है वो ऐसे ही होता है कि सालों तक जो है बरीड रहते हैं अंडर द अर्थ और अंडर वेरी इंटेंस हीट एंड प्रेशर इनका फॉर्मेशन होता है और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं। तो अगर आप देखें तो इग्नियस रॉक्स जो हैं उनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, ग्रेनाइट, स्कोरिया, टिमाइस एंड ऑब्सीडियन। सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट एंड जिप्सम। मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, जीनिस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे टाइप्स ऑफ रॉक्स के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। सो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है।
सो इनमें से कौन सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है? अब यहाँ पे आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने पर्संस रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? सो पर्संस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। और इन चारों कंट्रीज में सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है नीदरलैंड्स, ठीक है? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा नीदरलैंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? सो इसमें से कौन सी सबसे छोटा लैंड एरिया है? सो कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन सिक्किम एंड गोवा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज? सो इन्फ्लेशन सबसे पहले होता क्या है? सो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो जनरल लेवल होता है प्राइसेस का, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब वो बढ़ता जाता है उसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब ये जो इन्फ्लेशन है नॉर्मली दो चीजों से होता है। सो सबसे पहला है द डिमांड फैक्टर एंड द सेकेंड इज द सप्लाई फैक्टर, ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मनी सप्लाई के बढ़ने से और प्रोडक्शन के भी कम होने से प्राइसेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय? सो आपको पता ही होगा कि जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी डील करती है विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंडिया में आरबीआई या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है, ठीक है? सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर टू, दैट इज आरबीआई। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स। तो आपको पता होंगे कि इंडिया में जो करेंसी नोट्स हैं वो 10 रुपीज के, 20 रुपीज, 50, 100, ठीक है? सो 500 के नोट्स अभी नहीं है बिकॉज वो डीमोनेटाइज हो चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास 2000 के नोट्स, ठीक है? सो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स है 2000 रुपीज के नोट्स। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में कितनी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है, ठीक है, तो वो इंडिया में 3 बार हुआ है, 1946 में, 1978 में एंड 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आरबीआई टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर टू, बिकॉज 1 जनवरी 1949 को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था आरबीआई को, ठीक है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, 1949। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एड वैलोरम ड्यूटी, ठीक है? ये एक टैक्स है जो कि किस बेसिस पे लगाया जाता है। सो एड वैलोरम ड्यूटी जो है ये लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडेड। एंड एड वैलोरम ड्यूटी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी टैक्सेस, ठीक है? जब हम टैक्सेस की बात कर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिनका बर्डन आप दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स अगर किसी इंसान पर है
तो उसे ही पे करना है, ठीक है? वो किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते उसका बर्डन। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटरटेनमेंट टैक्स। सो यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस का, बिकॉज एंटरटेनमेंट टैक्सेस जो होते हैं उनका बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है ऑन टू द कंज्यूमर्स, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।